हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का जो एक नया एडवर्टीजमेंट या नोटिफिकेशन आया है उसकी बात करेंगे, जो कि यस फैकल्टी के लिए है, बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो वेबसाइट या सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट वगैरह को देखते हैं। चलिए, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, यही है वो वेबसाइट, विच इज़ CUK, दैट इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका .ac.in। तो अगर आप चाहते हैं इस वेबसाइट को विजिट करना तो आप कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। करेक्ट। अब इसके बाद अब थोड़ा सा इसे स्क्रॉल डाउन जब आप करेंगे तो आपको नीचे फ्लैश न्यूज़ दिख रही है, उसमें आपको कई सारे न्यूज़ दिख रहे हैं। ठीक है, उसी में आपको दिखेगा अभी ये जो नोटिफिकेशन है वो। व्यू ऑल कर लेंगे तो हमें एक साथ ही मिलेगा। व्यू ऑल करने पे आपको यहाँ पे सारी न्यूज़ दिख रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एंड आवर्ली बेसिस टीचिंग फैकल्टी। यही नोटिफिकेशन है, 5th December का ये नोटिफिकेशन है। तो आप में से जिसके भी सब्जेक्ट्स हैं आप चाहें तो इसमें पार्ट ले सकते हैं। अभी हम इसकी बाकी डिटेल्स देखेंगे और उसके अलावा नीचे कई भी इन्फॉर्मेशन्स हैं, PhD वगैरह की भी है जो CU SET के थ्रू हुआ था। चलिए अब हम इसे आप ओपन कर सकते हैं, तो चलिए ओपन करते हैं, फिर हम इसके जो नोटिफिकेशन है उसे पढ़ते हैं और सब्जेक्ट्स को देखते हैं। यस, ये है नोटिफिकेशन। एज यू कैन सी रिवाइज्ड ऑनलाइन वॉक इन इंटरव्यू, तो ऑनलाइन आप पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, आपको वहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए और बेटर नॉलेज हो हमें उसके लिए और इसे पढ़ते हैं। दो चीज़ें, जैसा अभी मैंने बोला कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस और आवरली बेसिस होगी फॉर वंस फॉर सेमेस्टर और टिल फर्दर अरेंजमेंट्स में। ठीक है, जो भी पहले, मतलब बेसिकली एक सेमेस्टर की पहले बात हो रही है, उसके बाद जो पोस्ट और डिटेल्स हैं वो दिए हुए हैं। अगर आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशंस है और बाकी जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन इंटरव्यू। ठीक है, मे अटेंड द वॉक इन इंटरव्यू थ्रू ऑनलाइन, जिसका शेड्यूल वेबसाइट पे भी कुछ दिन में आ जाएगा। आपको पूरे बायोडाटा के साथ अपने उसमें शामिल होना है। ठीक है, तो चलिए अब हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फैकल्टी के लिए सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं सबसे पहले। हियर वी गो, यहाँ पे सब्जेक्ट्स सारे ही हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वेट, यस, एज़ यू कैन सी सबसे पहले इकोनॉमिक्स है, जिसमें टोटल सीट्स भी आप देख सकते हैं दो ही हैं। अच्छा हाँ, कैटेगरी भी आप देख लीजिएगा, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तभी अप्लाई कीजिए। दोनों ही सीट्स अनरिजर्व के लिए है, टोटल है 2 सीट्स। उसके बाद है ज्योग्राफी में, 1 for SC, 1 for OBC, 2 हैं अनरिजर्व के लिए, तो टोटल 4 सीट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 सीट्स हैं। उसके बाद की बात करते हैं हम इंग्लिश की, इंग्लिश में 1 for ST है, 2 OBC के लिए है, 1 EWS और 2 जो है वो जनरल के लिए है, टोटल 6 सीट्स हैं। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा है बिजनेस स्टडीज़, जिसमें कि 1 ही सीट है ST के लिए और 1 सीट है OBC के लिए, और उसके बाद आपको 3 दिख रही हैं अनरिजर्व के लिए, टोटल यहाँ पे 5 सीट्स हैं। कॉमर्स की बात करें, 1 OBC की है बस, तो 1 ही सीट है वो भी OBC की है। हिंदी में 1 सीट है फॉर SC, 1 है ST, टोटल 2 सीट्स। जियोलॉजी में 1 है OBC के लिए, 2 है अनरिजर्व के लिए, 1 है EWS के लिए, टोटल 4 सीट्स। मैथ्स की बात करें तो टोटल 8 सीट्स हैं, 4 हैं अनरिजर्व के लिए, बाकी SC, OBC, PWD जो कि OBC के ही होंगे और EWS, इन सभी के लिए 1 सीट्स हैं। देन फिजिक्स में टोटल 7 है, जिसमें आप देख रहे हैं 2 अनरिजर्व के लिए, देन SC के लिए 2 है, OBC के लिए 2 है और 1 ST के लिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में आप MCA वाले पे अप्लाई कर सकते हैं, टोटल 6 सीट्स है। केमिस्ट्री अगेन PG होना चाहिए, 1 ही सीट है, SC की है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे टोटल 5 सीट्स हैं, 1 जनरल, 1 EWS, 2 है OBC और 1 है वो मंदसेंस ST। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5 सीट्स, लिंग्विस्टिक्स में 2 सीट्स, देन 3 सीट्स हैं एजुकेशन में, 3 सीट्स एज यू कैन सी यहाँ पे, ये है 3 सीट्स एजुकेशन में। देन केमिस्ट्री में 1 सीट है, लाइफ साइंस में 1 सीट है, BVOC फूड टेक में 2 सीट्स है। ओवरऑल एज यू कैन सी हियर टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 65। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो इस साइड में, यहाँ पे राइट साइड में दिया हुआ है कि अभी अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने CV को इन सब IDs पे भेज सकते हैं। ये ईमेल IDs दी हुई हैं डिपार्टमेंट वाइज। सपोज आप अगर इकोनॉमिक्स के हैं
तो इकोनॉमिक्स ठीक है, ये सब्जेक्ट है तो इकोनॉमिक्स के अगर आप हैं तो आप इस ये जो इनकी पर्टिकुलर वेबसाइट दी है इनको आप मेल करेंगे। सिमिलरली हर सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगी वेबसाइट्स, सॉरी ईमेल आईडी आई मीन। उसके बाद भी नीचे आपको जैसे दिख रहा है इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़ और मैथ्स और एजुकेशन, इनमें भी सीट्स हैं। बैकलॉग है ये, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इसमें भी है। उसके बाद नीचे और है आवरली बेसिस पे किन किन सब्जेक्ट्स में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वेट, यस ज्योग्राफी, देन इंग्लिश, साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, सोशल वर्क, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंस्ट्रक्शन, टेक इंजीनियरिंग, देन कैनमा, CST, म्यूजिक, एजुकेशन, मैथ्स, केमिस्ट्री, EVS, ये एनवायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंस, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, BVOC, फूड टेक। इसमें ओवरऑल 35 सीट्स हैं टोटल। देन बैकलॉग में इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के हैं 11 सीट्स हैं, टोटल 2 सीट्स। आप जो जो सामने ईमेल आईडीज़ यहाँ पे आपको दिख रही हैं हर सब्जेक्ट के आगे है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उन्हें अप्लाई मतलब एलिजिबल हैं तो आप अपना CV इन आईडीज़ पे भेज सकते हैं। बाकी है कि जो पोस्ट है रिजर्व अंडर EWS, मतलब ये सारी जो सीट्स हैं वो टेंटेटिव हैं और बाद में रिवाइज हो सकते हैं, ठीक है, जो EWS की है। तो बस ये हो गई, मतलब होगा ये कि अगर EWS कैंडिडेट्स नहीं हैं उस पर्टिकुलर सीट के लिए एलिजिबल या फिर उतने नहीं अवेलेबल हैं तो देन यू आर विल बी कंसिडर्ड फॉर द सेक्शन, दैट इज़ अनरिजर्व के लिए वो सीट कंसिडर की जाएगी। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे दी हुई है। देन क्वालिफिकेशन की बात है तो जो भी UGC की क्वालिफिकेशन है वही यहाँ पे मान्य होगी। उसके बाद रेम्यूनरेशन की बात करें तो यहाँ पे है कि जो इंगेजमेंट है प्योरली टेम्पररी बेसिस पे होगा एक सेमेस्टर के लिए, ठीक है, दिस इज़ फॉर 1 semester ओनली, यस, सो यस दिस इज़ फॉर 1 semester ओनली। अब यहाँ पे अगर हम इंगेजमेंट की बात करें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा, कितना पैसा मिलेगा, कितनी पूरा ओवरऑल रेम्यूनरेशन है, सो 40,000 इज उनके लिए जिनके पास UGC या CSIR का नेट स्लेट है और 45,000 उनके लिए जिनके पास PhD भी है साथ में, यू नो ये नेट स्लेट के साथ में PhD भी है, सो तो उनके लिए 45,000, नहीं है PhD तो 40,000। और जो इंग्लिश टीचर असिस्टेंट होंगे उन आवरली बेसिस वाले, ठीक है, आपने देखा दो था, एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस और एक आवरली बेसिस, तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का ये है और आवरली बेसिस पे आपको 1,000 पर आवर के हिसाब से मिलेगा और जो मैक्सिमम है वो 25,000 है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बाकी जो और भी अलाउंसेस होते हैं उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मिलेगा, हो गया ये सारी, ये बाकी आप क्वालिफिकेशंस वगैरह को देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी अब यहाँ पे भी है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स आपको क्वालिफाई होना चाहिए नेट या UGC या CSIR द्वारा जो होता है, या फिर आप इस पर्टिकुलर स्टेट के सेट क्वालिफाई आपने किया हो या स्लेट क्वालिफाई हो तो भी, 2009 से पहले आपने PhD डिग्री ली है तो फिर आप इससे एग्जेम्प्टेड हैं। देन PhD थीसिस अगर मतलब अगर आपने 2009 से पहले 2009 से पहले PhD की है तो उसके केस में भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, दो एक्सटर्नल इवेल्यूएटर्स रहे हों, एग्जामिनर्स रहे हों जिन्होंने इवेल्यूएट किया हो, ओपन वाइवा वर्क हुआ हो जो कैंडिडेट उन्होंने पब्लिश किया हो, दो रिसर्च वर्क जिसमें से एक रेफर्ड जर्नल में हो। उसके बाद ऐसा होना चाहिए जो कि आपने UGC CSIR या किसी एजेंसी के कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में भी आपने एटलीस्ट 2 पेपर प्रेजेंट किए हों। तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी चैनल पे जितने भी एडवर्टीजमेंट देखे हैं उनमें ऑलरेडी डिटेल में इसे डिस्कस किया है, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और बाकी जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड हैं उनके लिए क्वालिफिकेशंस ये लिखी हुई हैं, एसेंशियल है बैचलर डिग्री किसी डिसिप्लिन में या नहीं एंड मास्टर्स डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए और उसमें चाहे MBA हो या फिर MCOM हो, फर्स्ट क्लास से होना चाहिए, 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए मास्टर्स के बाद और उसके अलावा नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, बाकी आपने कभी पढ़ाया हो तो ये सारी चीज़ें एक प्लस पॉइंट हैं, डिज़ायरेबल हो गई। फिर रेस्ट आपके सब्जेक्ट्स हैं तो आप उनके लिए क्वालिफिकेशंस को देख सकते हैं, इसमें सबके लिए अलग अलग दी हुई है ऑब्वियसली क्योंकि सब्जेक्ट का बेसिस अलग है, कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है, कोई मैनेजमेंट है, नॉर्मल ह्यूमैनिटीज़ है, तो इसलिए अलग अलग दी हुई है। आप चाहते हैं आपका सब्जेक्ट है तो आप दे सकते हैं, ठीक है, और मतलब देख सकते हैं इसे। तो बस यही थी आज की इन्फॉर्मेशन,
तो यस, अगर आप चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगी। इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बाकी आप डायरेक्टली रिक्रूटमेंट पे भी जाएंगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। आप ओपन जब इसे करेंगे तो दो ऑप्शंस आपको नोटिफिकेशन के अंडर दिखेंगे। एक तो वो नोटिफिकेशन जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया थी कि वो आपको इस पर डाउनलोड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर क्लिक करके, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगी और लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए, इतने सारे नोटिफिकेशंस की इन्फॉर्मेशन आपको दी है मैंने, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वीडियो हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी। तो यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।